महान कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि सीकर संभाग मुख्यालय का ये शेखावाटी विश्वविद्यालय है, जो वर्ष 2012 में स्थापित हुआ था राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ पर 25 सितंबर 2024 को यानी कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब पधार रहे हैं, जो यहाँ पर एक ज्ञान उद्यान का लोकार्पण करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिनके नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी के आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन उनका कहीं भी फोटो और वेलकम के बैनर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। केवल विश्वविद्यालय से रिलेटेड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही फोटोग्राफ सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही शेखावाटी विश्वविद्यालय जब 2012 में स्थापित हुआ, तो इसके स्थापना और नवनिर्माण और विकास की सबसे पहली सीढ़ी के रूप में जिन्होंने स्थापित किया वो थे डॉक्टर विमलेश चौधरी, जो इसकी पहली वाइस चांसलर बनी, पहली महिला वाइस चांसलर भी और फर्स्ट वाइस चांसलर दोनों की भूमिका में प्रोफेसर डॉक्टर विमलेश चौधरी जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। उसके बाद में प्रोफेसर बी एल शर्मा आए और तीसरे वाइस चांसलर जो आए प्रोफेसर डॉक्टर भागीरथ सिंह जी, जिनके नेतृत्व में इस शेखावाटी विश्वविद्यालय का संपूर्ण निर्माण और विकास संपन्न हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर आचार्य अनिल देव रॉय जी कुलपति हैं और आज उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं। ये शेखावाटी विश्वविद्यालय का संविधान पार्क है, जहाँ पर एक तरफ नेहरू जी संविधान सभा में स्पीच देते हुए हैं और इधर एक तरफ अंबेडकर साहब की प्रतिमा है। इसके साथ ही शेखावाटी विश्वविद्यालय 150 बीघा परिसर में फैला हुआ है, सामने भी काम चल रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें है, गार्डनिंग है, संविधान पार्क है, अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे एडम ब्लॉक हैं, कुलपति सचिवालय है, क्लासरूम है, फैकल्टीज हैं, तो सारी चीज़ें इस तरीके से बनी हुई है। आज शेखावाटी विश्वविद्यालय में जब उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शेखावाटी में शिक्षा के विकास की बात करना समीचीन है। मैं शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी, जिनका बचपन का नाम बीरमा ढाका था, जो कि इसी सीकर की धरती पर जन्मे और कोदन में, और शेखावाटी के उन महान संघर्षशील महानुभावों को भी प्रणाम है, जिन्होंने शिक्षा का उजाला फैलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में शेखावाटी में शिक्षा का सिरमौर CLC, जिसके डायरेक्टर श्रवण बोस हैं, जिन्होंने पिछले दिनों ही अपने गुरुदेव श्रद्धानाथ जी महाराज की संत परंपरा के संत मकड़ीनाथ जी महाराज और हरिनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण CLC के कर्मस्थल में करवाया था। मुख्यमंत्री स्वयं उसमें आए थे और शेखावाटी को सीकर की शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित करने में जिनका अपना महत्वपूर्ण योगदान है, तो आज उन तमाम शिक्षाविदों को भी प्रणाम है जिन्होंने सीकर की धरती से, चाहे वो CLC के रूप में श्रवण जी हों, प्रिंस वाले हों, भारतीय शिक्षण संस्थान समूह के हरिराम जी रणवा हो, और वो बहुत सारे लोग जिन्होंने सीकर को शिक्षा नगरी बनाया, और गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने सीकर को संभाग बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, आज सीकर संभाग के रूप में स्थापित है। और सीकर का ये शेखावाटी विश्वविद्यालय, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए और अध्ययन और अध्यापन की एक समुचित व्यवस्थाओं का एक बड़ा प्लेटफॉर्म स्थापित हुआ है। विशेष रूप से इसके तीसरे VC के रूप में जो डॉक्टर भागीरथ सिंह जी रहे, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने प्रयासों से इस संपूर्ण विश्वविद्यालय का निर्माण और विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, और वर्तमान में अब यह लगातार आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जी का यहाँ पर आगमन है। इसके साथ ही शेखावाटी परिक्षेत्र में चूँकि उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, जो स्वयं भी शेखावाटी के झुंझुनू के किठाना के रहने वाले हैं, पिछले दिनों उन्होंने स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का आगाज झुंझुनू की धरती से किया था, जो वीर जुझार सिंह जाट के द्वारा स्थापित है, उसी झुंझुनू के वो वासी हैं। सीकर में वो आ रहे हैं, शेखावाटी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जी का पहला कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं चौधरी कुंभाराम आर्य जी को भी विशेष रूप से प्रणाम और नमन करूंगा, जिन्होंने इस शेखावाटी इलाके में और संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा की अलख जगाई, संघर्ष और स्वाभिमान का बिगुल बजाया, और राजस्थान के राजस्व मंत्री के तौर पर उन्होंने शेखावाटी ने पूरे राजस्थान के किसानों और मजदूरों को ज़मीन का मालिकाना हक देने का एक बड़ा कार्य 15 अक्टूबर 1956 को किया, जिसको बाद में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के कार्यकाल में राजस्व दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। शेखावाटी आज देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाले सैनिकों की धरती है,
पूरे राजस्थान के शिक्षा जगत को शिक्षित और विकसित बनाने वाले शिक्षकों की भूमि है और इस देश के नवनिर्माण और विकास में योगदान देने वाले सेठ साहूकारों की धरती है। तो इसलिए उन सारे वर्गों को प्रणाम है। और इसके साथ ही चाहे चौधरी कुंभाराम जी आर्य हो, चौधरी दौलतराम जी सारण हो, और इसके अलावा इस शेखावाटी के किसानों ने शिक्षा के लिए अपने संघर्ष और स्वाभिमान के लिए जो विशेष रूप से प्रयास किए, उसमें ठाकुर देशराज जी जिन्होंने शेखावाटी के लोगों को अपने स्वाभिमान से परिचित करवाया और शेखावाटी का किसान आंदोलन और शेखावाटी का जाट सुये महायज्ञ शेखावाटी में शिक्षा के संस्कारों के पलवन और पुष्पन का एक बड़ा और सशक्त माध्यम है। तो आज शेखावाटी की धरती पर जब उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो शेखावाटी के उन सूरमाओं को प्रणाम है, उन वीरों को प्रणाम है, चौधरी रेणमल सिंह जी जैसे लोगों को प्रणाम है जिन्होंने राजनीति में सुचिता और सिद्धांतों का एक नया अध्याय लिखा है और आज भी शतायु पार होने के बाद भी वो स्वस्थ और मस्त हैं और समाज और देश के लिए एक प्रेरणा है। इसी शेखावाटी के सपूत के रूप में डॉक्टर घासीराम जी को विशेष रूप से स्मरण करेंगे जो भी झुंझुनू रहते हैं और जिन्हें के साथ मुझे व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से रहने का कार्यक्रम करने का सानिध्य मिला है। भारत के महान गणितज्ञों में शामिल जिसकी गणितज्ञता और विद्वता की जो मिसाल है वो अमेरिका भी देता है और अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित रोडे आइलैंड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर रहे हैं। गणित के लोगों के लिए, गणित के संसार के लिए वो एक महान विद्वान है और आज भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात भी वो लोगों से मिलते जुलते हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो अपने आप में चौधरी रेणमल सिंह जी सीकर में, झुंझुनू में सम्मानीय डॉक्टर घासीराम जी ऐसी महान शख्सियतें मौजूद हैं शेखावाटी की धरती पर जिन पर हम सबको नाज है, जिनका समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता के ज्ञान के प्रकाशमय उजाले में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी शेखावाटी की धरती पर हम उन महान वीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने शेखावाटी का नाम रोशन किया है और जिस तरीके से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और श्रीराम मंदिर के बड़े प्रोजेक्ट जो देश के नक्शे पर हैं उसके निर्माणकर्ता के रूप में भी अनिल जी धीमा जो हमारे परम मित्र हैं यहीं सीकर के पास की गुंगारा के रहने वाले हैं, ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जी के आगमन पर यहाँ पर जितने भी शिक्षकों का सम्मान होगा, यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो शिक्षाविद हैं, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ के सेठ साहूकार हैं जिनका एक अप्रतिम योगदान सीकर को आगे बढ़ाने में, संभाग को आगे बढ़ाने में, शेखावाटी को आगे बढ़ाने में है, हम उन सभी महान पुरुषों को बारंबार प्रणाम और वंदन करते हैं। उपराष्ट्रपति जी आपका बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर जिन महान लोगों का वास्तविक योगदान है उसको भी रिकॉग्नाइज आप अपने श्रीमुख से भी करेंगे, निर्देश भी प्रदान करेंगे। और चूँकि जिस महान पुरुषों ने यहाँ पर शिक्षा के विकास के लिए योगदान दिया है उनको भी स्मरण करेंगे। जय शेखावाटी, विजय शेखावाटी, राम राम सा, शिक्षा का विकास, राष्ट्र का विकास।